कितने डॉग होगी लगभग आपके पास? लगभग मेरे पास में 100 से ज्यादा डॉग है और पप्पी जो ये 8 मंथ के बच्चे हैं, ये ना हम एडल्ट सेमी एडल्ट बोल सकते हैं। ये हमारा सुल्तान है, ये सुल्तान है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अपने डॉग लवर्स के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत बड़े डॉग कैंप पे, तो जिनके पास करीब 100 से भी ज़्यादा डॉग्स है। तो अगर आप किसी ब्रीड का पप खरीदना चाहते हो कम बजट में और अच्छी क्वालिटी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो गाइज, ये है डॉग किन्होंने, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सोनू बालियान जी। कौन कौन से डॉग है आपके पास में? मेरे पास में डॉग डोगो अर्जेंटीना, कैन कोर्सो, बॉर्डर कुली और लेब्राडोर, हस्की, सिडजू, बीगल। कितने डॉग होगी लगभग? लगभग मेरे पास में 100 से ज्यादा डॉग है और पप्पी लगभग। अच्छा, पप्पी मिला के मतलब 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा। तो आज एक एक करके आपको सभी डॉग्स दिखाने वाले हैं। तो इसके बारे में बताइए, कौन सी ब्रीड है? ये डोगो अर्जेंटीना है और ये इंडिया की टॉप मोस्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। अच्छा अच्छा। और इसकी मदर लीजा है, इंडियन चैंपियन है जी। और ये ड्यूक लाइन की फीमेल है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी इसकी एज क्या है? अभी इसकी एज है 18 मंथ। 18 मंथ का जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रॉक्सी। रॉक्सी नाम है। तो कितने डॉग अर्जेंटीन हो आपके पास में यहाँ पे देख मेरे सकते पे? लगभग ये है 14 डॉगों के करीब है। अच्छा। और पप्पी है। ये अर्जेंटीना की ब्रीड है जी। ये हंटिंग ब्रीड है। अच्छा, हंटिंग के लिए होती है? हंटिंग के लिए ब्रीड होती है, पर गार्ड पर्पज पे वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड डॉगो अर्जेंटीना जी। जी, गार्डिंग भी करती है? गार्डिंग भी करती है, वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, तो गाइस देख सकते भाई इनके पास कितने क्यूट क्यूट से पप्पीज है। तो कितने दिन के अभी है ये? 30 दिन के बच्चे हो चुके हैं। 30 दिन के? फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गई जी। इनका बाप जो है रशिया इंपोर्ट है। अच्छा। और मदर? मदर जो है ड्यूक लाइन की है। अच्छा, मदर यही है जो साइड में है? हाँ हाँ। तो गाइस देख सकते भाई मदर की क्वालिटी। आप कैसे है? नून कैसे आई है? कैसी आई? कैसी? खाने में क्या दे रहे हो इन्हें? मैं फूड, इनको रॉयल कैनन फूड दे रहा हूँ जी। और बाकी मल्टी विटामिन, अपना जो है कैल्शियम, बहुत सी चीजें देनी पड़ती है भैया जी। अब ये देखिए, आप फीमेल देखो, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बोन साइज, हेड साइज, ये देखिए गाइस क्वालिटी। हाँ। आप तो ये कितने मेल है कितने फीमेल है? इनमें 4 मेल 4 फीमेल है भैया मेरे पास में अभी जी। तो सेल के लिए है? सेल के लिए है जी। और नेक्स्ट लीटर मेरा एक और पड़ा है, वो पपी छोटे है। अच्छा, अभी मैं दिखा नहीं सकता उनको जी। जी, तो ये मेल है फीमेल है दोनों? ये एक मेल है, तो एक फीमेल है। और पप्पी की क्वालिटी देखो, फीमेल की हेड साइज देखो आप जी, 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 जी। बोन साइज देखो जी। और मेरे कैनल की जी, मैं 100% गारंटी लूंगा अपने पप्पी की जी। अपने मदर फादर कितना ही बच्चा सुंदर बनेगा, बल्कि उससे ज्यादा सुंदर बनेगा। आजा एक खड़ी हो। तो भाई इनके पास कैन कोर्सो भी देख सकते हैं, तो इसके बारे में कैन कोर्सो के बारे में? कैन कोर्सो के बारे में भैया, मैं अभी ये कैन कोर्सो ली थी, ये 6 मंथ की होगी। एक मेरा प्यारा मित्र है, उन्होंने कहा भैया एक बार कैन कोर्सो रख के देखो जी। तो मैंने ये कैन कोर्सो ले ली भैया। अच्छा अच्छा। इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं। तो इनके बारे में थोड़ा, कितने एज ये? 8 मंथ के करीब डॉग है ये भी जी। ये सारे मेल पप्पी है। अच्छा, सभी मेल है? ये सभी मेल है, एक फीमेल है इसमें अपनी। तो इनके चोट लगी है कैसे, गांव से कैसे? ये भैया जो है आपस में फाइट भी कर लेते हैं, जैसे एक जगह रहते हैं। अच्छा, ये ओपन तो जो है खेलने कूदने के लिए ही रहते हैं, बाकी गेज में रह लेते हैं जी। जी। और बाकी इसमें अब इसमें रहेंगे खुले में। अच्छा अच्छा। और थोड़ी फंगस भी आ रखी मिट्टी की वजह से जी। जी, तो ये भी सेल के लिए? ये भी सेल के लिए है। ये सेमी एडल्ट मेल है और इनका बाप कैबरोन है। कैबरोन रशिया से इम्पोर्ट है, एक बिगेस्ट डॉग है इंडिया का, टॉप मोस्ट डॉग। अच्छा अच्छा। कैबरोन। तो जितने भी आपके डॉग है सभी केसीआई है? सब केसीआई है और डायरेक्ट इम्पोर्ट के बच्चे। ये कौन सा डॉग है? ये बॉर्डर कुल्ली है। अच्छा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा डॉग। ये भैया इंडिया में बहुत ही कम पाई जाती है जी, बहुत ही। और ये वेल्प इंपोर्ट की बच्ची है, चाइना वेल्प इंपोर्ट की बच्ची है। अच्छा अच्छा। और इसकी एज है अभी 1.5 साल के करीब। 1.5 साल की है जी जी जी। तो कौन कौन से कलर आते हैं इसमें? इसमें 3-4 कलर है भैया।
अच्छा अच्छा हाँ। सेल के लिए ये नहीं नहीं इसके 20 दिन बाद में आप जो है बच्चे प्रोवाइड हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे मिल जाएंगे, से बच्चे मिल सकते हैं इसके। अच्छा अच्छा हाँ। तो आप कौन सी ब्रीड दिखाने वाले हो? मैं अब आपको हस्की से मिलाना चाहूँगा जी। ये हमारे पास में हस्की है। अच्छा, साइबेरियन हस्की है। जी जी, ये हमारा सुल्तान है। जी, सुल्तान है। और ये हमारी माया है। ये कॉपर कलर है जी। ये ब्लैक वाइट है। अच्छा, कितने हस्की आपके पास में? हमारे पास में टोटल हस्की है 8 हस्की है। 8 हस्की है जी। और बच्चे भी आपके पास होंगे? बच्चे हमारे पास में 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, अब हस्की है, इस वक्त है आपके पास? नहीं नहीं, अभी छोटे पप्पी है हमारे पास में। अच्छा, वो आपको दिखा नहीं सकते जी। वो तो अभी ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है माया। अच्छा, ये फीमेल है और ये अपना सुल्तान है। तो कौन सी आइज में है? ब्लू आइज। ब्लू आइज की आइज ये देखिएगा। ओहो, देखिए भाई, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये भी जो है इम्पोर्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं बच्चे हमारे जी। तो नेचर कैसा होता है इनका? नेचर बहुत अच्छा, नेचर की ब्रीड है। फ्रेंडली होते हैं? फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। अच्छा अच्छा। मेरा तो मानना ये है कोई सी भी ब्रीड हो, सभी जो ओरिजिनलिटी पे है, प्योरिटी पे है, उसमें जो है एग्रेशन नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो जैसे मतलब ये तो बर्फीले क्षेत्र में आते हैं, मैंने सुना। जी 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 जी। तो कैसे मेंटेन करते हो आपने? ये जो है हमारा जो है मेंटेन हो जाता है, अपना कूलर चल रहे, पंखे चल रहे, उसमें आराम से रह लेते हैं। अच्छा। ये अपनी फीमेल है बेला, व्हाइट कलर में जी। ये भी डबल कोट में, वूली कोट भी बोल सकते हैं इसको, डबल कोट भी बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या एज अभी इसकी? अभी इसकी एज है 7 मंथ। 7 मंथ है जी जी। ये देखिएगा, ये भी ब्लू आइज में है। जी जी, ब्लू आइज है। ये देखिएगा, आइज आइज इनके 100 फीमेल है, बिल्कुल 200 फीमेल है जी। तो आप इन्हें 200 में भी लेके जाते हो? जी, अब तक तो नहीं लेके जा रहे, आगे भविष्य में सोच रहे हैं 100 भी खिलाएंगे आगे चल के। एक ये मेल है हमारा कॉपर कलर का। अच्छा, ये मेल है लियो। पहले जो दिखाया था अपने, वो फीमेल थी? वो फीमेल थी। अच्छा, ये मेल है गाइस, देख सकते हैं जो पास में। अच्छा अच्छा, इसकी भी 7 मंथ के करीब एज के लोग हमारे पास में होते हैं। और सभी कैसे हैं? सभी कैसे जी जी जी, सब ब्लू वाइट और सब मतलब के सब के लिए नहीं है, बच्चे मिल जाएंगे। जी जी, बच्चे मिल जाएंगे। तो भाई ये देखिए भाई, कितने सारे पप्पी जिनके पास में। तो भाई कौन सी ब्रीड क्या है ये? ये हमारे पास में गोल्डन रिट्रीवर का गोल्डन मेल पप्पी है जी। और बाकी बच्चे मेल फीमेल। ये देखिए भैया, कितने मेल है, कितने फीमेल है? ये सिर्फ जो है, ये जो है 5 मेल है, 5 फीमेल है हमारे पास में। अच्छा, 5 मेल है, 5 फीमेल है जी जी। अच्छा, तो सेल के लिए है ये? जी जी, ये सेल के लिए है। अच्छा अच्छा, क्या डिमांड है इनकी? इनकी डिमांड जो है हमारा तो लगभग 15,000 रुपये का मेल और 12,000 रुपये की फीमेल। और ऑल इंडिया डिलीवरी जी। और डिलीवरी चार्ज जो है पार्टी का रहेगा। अच्छा, और ये कौन सी ब्रीड के है? ये सिडजू फीमेल पप्पी, ये भी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, तो इनकी क्या डिमांड है? इनमें ये लगभग 18,000-20,000 रुपये का पप्पी मिल जाता है सिडजू का। 18,000-20,000 का जी जी। अच्छा, ये मेल फीमेल है? ये दोनों के दोनों फीमेल है। ये फीमेल है। तो और भी है सिडजू आपके? जी 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 जी, और पप्पी भी है। ठीक है। देखो, गोल्डन रिट्रीवर के एक तो ये जो है ईयर थोड़े लंबे होते हैं और बालों का साइज थोड़ा जो है ज़्यादा होता है जी। बोन साइज आपका, देखो हेड साइज। तो भैया, ये कौन सी ब्रीड है? ये बीगल है भैया, बीगल। अच्छा, तो गाय देख सकते भाई, इनके पास में कई सारे बीगल हैं। तो एक ये रहा, तो यहाँ पे भी देख सकते भाई, ये बीगल। कितने मेल है, कितने फीमेल है बीगल में? ये हमारे पास में 1 मेल है और 4 फीमेल है बीगल की। 1 मेल है और 3 फीमेल है जी जी। ये 3 मंथ की फीमेल है, अपनी होम ब्रीडिंग है। अब तो साइज इनका छोटा रहता है? छोटा साइज रहता है। कितना साइज होगा ये? टॉय ब्रीड में आती है? टॉय ब्रीड में आती है। फुल साइज पर है, मतलब ये है। तो सेल के लिए ये? ना नो नो नो, सेल के लिए नहीं, अपनी ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं फीमेल। तो जब आपको दिखाते हैं रोड देख सकते हैं भाई, इनके पास कितनी अच्छी क्वालिटी में है। तो ये मेल है फीमेल है भैया? ये भैया फीमेल है अपनी, मानो देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो क्या एज है अभी इसकी? 14 मंथ एज। 14 मंथ की है ये? जी जी जी। और लाइन के बारे में बताइए इसकी? लाइन बॉब लाइन से बिलोंग करती है भैया जी। और इसके नेक्स्ट मंथ परमात्मा की दुआ से हो सकता है पप्पी आ जाए हमारे पास में। अच्छा अच्छा जी।
देख सकते हैं। तो कलर तो ये व्हाइट और ब्राउन सा लग रहा है। जी जी, इसमें गोल्डन भी आता है, व्हाइट भी आता है और ब्लैक भी आता है। अच्छा अच्छा, और चॉकलेट भी आता है लैब्राडोर में। जी जी, देख सकते भाई, अगर किसी को बच्चे लेने हैं तो बच्चे मिल जाएंगे इसके, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गोल्डन रिट्रीवर दिखा रहा हूँ मैं आपको जी। ये पप्पी जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, जो ये बच्चे हमारे वोल्थर के हैं। अच्छा, ये गोल्डन रिट्रीवर का मेल है हमारा। मेल है ये? जी जी जी, अपनी होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं। अच्छा, क्या एज है इसकी? अभी इसकी 2 इयर्स के करीब एज है हमारे मेल की, इसकी वोल्थर की। ये देखे गाइस, अक्षय कुमार की मूवी में था ये, एंटरटेनमेंट मूवी में। तो नेचर कैसा होता है इनका? नेचर वन ऑफ द बेस्ट नेचर जी, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जी 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 जी। और ये अपनी मदर है उन बच्चों की। अच्छा, ये मदर है, ये फादर जी, जी, है।